नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फाज अपडेट में। आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती 2019 के ऊपर दोस्तों हो चुका है कोर्ट्स का स्टे, तो अब क्या होगा? सभी के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या ये भर्ती अब रद्द हो जाएगी या मेडिकल जो फिट कैंडिडेट है उनके साथ में अब क्या होने वाला है आगे? दोस्तों पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। साथ ही दोस्तों किस भाई ने किया है ये कोर्ट में केस और किस प्रकार से स्टे लगा हुआ है, तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। साथ ही जो कैंडिडेट आज पहली बार हमारे साथ जुड़े तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिलती रहे जो कि आपको आगे बढ़ने में मदद करे। तो चलिए दोस्तों देते हैं पूरी जानकारी कोर्ट के स्टे के बारे में कि किस प्रकार से भर्ती पर और किस ग्रुप के संबंध में स्टे लगा हुआ है। दोस्तों हेलो फ्रेंड्स, यह है 11wicket.com। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप अपने रैपर कोड के साथ अपने फ्रेंड को ज्वाइन करवाते हैं तो ₹50 आपको मिलेंगे और ₹50 आपके फ्रेंड को मिलेंगे। साथ ही दोस्तों डिस्क्रिप्शन में हमारे द्वारा दिया गया रैपर कोड से आप ज्वाइन करते हैं तो आपको ₹50 बोनस पॉइंट्स अभी तुरंत मिल जाएंगे। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन वेबसाइट है, मैं आपको बता दूँ हाल ही के दिनों में इसने अपना खुद का ऐप भी लॉन्च किया है। दोस्तों कोई भी अमाउंट इसमें ऐड करना चाहते हैं तो बड़ा ही सिंपल है, अमाउंट ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। आपको जितना भी अमाउंट ऐड करना है यहाँ पे आप लिख दीजिए, उसके बाद आप कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, अमेजन पे, पेटीएम, मूवी क्विक, फ्री रिचार्ज के द्वारा इसमें आसानी से आप अपना अमाउंट को ऐड कर सकते हैं। यदि आप मूवी क्विक के द्वारा इसमें ऐड करते तो आपको 50% सुपर कैशबैक आपको हाथों हाथ मिल जाएगा। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन वेबसाइट है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, घर बैठे आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल की भर्ती शुरू से ही चर्चा में रही है, जैसा कि आपको पता है कभी मेरिट लिस्ट के संबंध में किस प्रकार से हाई गई है और साथ ही फिर काफ़ी कैंडिडेट जिनका ओबीसी वालों का जिनमें सिलेक्शन नहीं हो पाया, जो ओबीसी की सीटें थी वो एक्स सर्विसमैन को दे दी गई थी। तो दोस्तों काफ़ी ऐसे पॉइंट रहे जिनके ऊपर ये भर्ती चर्चा में रही है। दोस्तों अब इसके ऊपर क्या हुआ है, इसके ऊपर कोर्ट केस कर दिया गया कैंडिडेट द्वारा, तो किस प्रकार से कोर्ट केस किया गया, क्या पॉइंट रखे गए उस कोर्ट केस के संबंध में, तो वो पूरी जानकारी मैं आपको बता दूँ। इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कोर्ट केस किसने किया है, अजय कुमार यादव जी हैं जो कि जयपुर के राजस्थान के रहने वाले दोस्तों, और 14/9/2019 को कोर्ट में अपील की है कि जो ओबीसी की सीटें थी उन पे ओबीसी को क्यों नहीं लिया गया, एक्स सर्विसमैन को क्यों दिया गया, तो ये मुद्दा इन्होंने रखा है। दोस्तों अब इसके ऊपर क्या होने वाला, क्या ये भर्ती रद्द हो जाएगी या फिर इसके ऊपर क्या कार्रवाई होगी, इसके संबंध में आपको मैं बता दूँ। दोस्तों ये जो कोर्ट केस किया गया इसके ऊपर कोर्ट का जो भी फैसला आएगा वो हम देख रहे आगे आपको उसके बारे में जानकारी दे देंगे, लेकिन अभी मेन बात क्या है, जो फिट कैंडिडेट हैं तो उनके साथ में क्या होने वाला है। दोस्तों मैं बता दूं जो कैंडिडेट मेडिकल दे चुके हैं, जो फिट हो चुके हैं, उनके साथ में यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा इस केस के संबंध में, क्योंकि दोस्तों ये बिल्कुल ही जो कैंडिडेट फिट हो चुके हैं मेडिकल में उनकी यहाँ पे ज्वाइनिंग कंप्लीट होनी है, इसमें कोई रोकने वाला नहीं है। कुछ ही दिनों के बाद आपकी पुलिस वेरिफिकेशन हो जाएगी और साथ ही फिर आपकी ज्वाइनिंग यहाँ पे आ जाएगी। दोस्तों उन कैंडिडेटों के लिए स्पेशल वीडियो बनाई है, उनको बिल्कुल भी किसी प्रकार की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिस भाई ने यहाँ पे कोर्ट में केस किया तो इसकी जो भी सुनवाई होती है, जिस संबंध में इसके बारे में कोई भी जानकारी मिलेगी तो हम उसके लिए आपको जरूर बताएंगे। अभी फिलहाल उन कैंडिडेटों के बार बार कमेंट आ रहे थे कि सर कोर्ट में केस हो गया ऐसा बताया गया, इससे ये नंबर उन्होंने मुझे खुद सेंड किया था तो मैंने इससे डाउनलोड करके इसमें चेक किया तो कोर्ट में केस हुआ है, ये अभी अंडर प्रोसीड है, इसके ऊपर अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। दोस्तों अभी जो फिट कैंडिडेट है मेडिकल जिनके कंप्लीट हो चुके हैं और मेडिकल चल रहे हैं 2 या 3 दिन और चलेंगे, तो उन सभी के लिए क्या है कि आपको किसी प्रकार की टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपका मेरिट लिस्ट में नाम है। दोस्तों जो कोर्ट केस किया गया उसके संबंध में जो भी जानकारी मिलेगी उसके लिए भी अलग से हम वीडियो बनाकर आपके लिए लेकर आएंगे, तो अभी उन भाइयों के लिए बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है जो अच्छे से मेडिकल दे के आ चुके हैं और अभी अपनी पुलिस वेरिफिकेशन करा के अपनी ज्वाइनिंग लेटर का यहाँ पे वेट कीजिए। दोस्तों यदि इस कोर्ट केस के संबंध में कोई भी जानकारी होती है, कोई भी इंपॉर्टेंट जानकारी मिलती है तो उसके लिए भी हम वीडियो बनाकर लेकर आएंगे, लेकिन अभी फिलहाल आपको इसके संबंध में कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। भाई ने अपनी तरफ से कोर्ट में केस किया है तो जो उनने अपने मुद्दे रखे हैं, यदि उनके ऊपर कोर्ट को लगता है कुछ इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए तो उसके संबंध में अलग से नोटिस जारी कर देगा, लेकिन अभी इसके संबंध में कोई भी जानकारी नहीं है। दोस्तों काफ़ी भाइयों के कमेंट आए थे कि सर कोर्ट में केस हो गया उसके संबंध में हमें कोई वीडियो बनाकर जानकारी दीजिए। दोस्तों इसलिए स्पेशल वीडियो बनाई गई है उन सभी भाइयों के लिए जिन भाइयों को टेंशन हो रही थी कि कोर्ट में केस हो चुका है, क्या अभी कुछ होगा, मेडिकल भी हो चुका, सब कुछ होगा, लेकिन उनके लिए सभी के लिए शांतिपूर्वक ये मैं आपको बता दूँ, आप किसी प्रकार की टेंशन मत लीजिए, आप मेडिकल फिट हो चुके हैं, आपका सारा काम हो चुका है, अभी सिर्फ आपकी ज्वाइनिंग बाकी है जो कि जल्दी ही आने वाली है। साथ ही इस वीडियो के संबंध में कोई भी कमेंट या क्वेश्चन आपके तो फटाफट वीडियो के कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। दोस्तों